ये स्ट्रेट लाइन का 10.1 कंप्लीट हो गया था। अगला जो एक्सरसाइज है वो है 10.2, और 10.2 जो है बच्चा उसमें है इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का इक्वेशन आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, और इक्वेशन निकालने का टोटल 6 मेथड्स है। 6 मेथड्स को एक एक करके समझ लेते हैं। हर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला क्या है कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन अगर रहे तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। वैसे ये हम लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े थे, आपको याद होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, याद होगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, और ये है आपका वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0। जस्ट उल्टा होता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, तो वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 0। अगर सपोज करो कि यहां पर एक लाइन है, चलो पहले यहां कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0 1 2 3। इस तरफ प्लस में होता है ना, ऊपर भी 1 2 3, इस तरफ -1 -2 -3, यहां भी -1 -2 एंड सो ऑन, इस तरीके से है वैल्यू। अब सपोज करो कि यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ये लाइन 2 से पास कर रहा है, ध्यान देना, ये लाइन 2 से पास कर रहा है। इस लाइन का नाम रख देते हैं ए बी। अगर हम आपसे पूछेंगे कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ए बी या तो वर्टिकल है नहीं तो हॉरिजेंटल है। तो आप देख सकते हैं क्या है, ए बी हॉरिजेंटल लाइन है, यानी इस केस में दो ही डिस्कस करने वाले हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल। तो ए बी वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल बोलते हैं जो एकदम वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और हॉरिजेंटल बोलते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हॉरिजेंटल लाइन है। अब पूछेगा इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन किससे मिलता जुलता होगा, एक्स एक्सिस से, क्योंकि किसके पैरेलल है। तो ए बी का इक्वेशन क्या होगा, इसके लिए पहले ही देखिए कि ए बी किसके पैरेलल है। ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन किससे मिलता जुलता होगा, एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई बराबर 0। तो इसका भी होगा वाई बराबर समथिंग, 0 नहीं होगा, समथिंग होगा। समथिंग क्या होगा, जहां से ही पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, 2 से। तो इसका इक्वेशन हो गया वाई इज इक्वल टू 2। अगर सपोज करो यहां पर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, इस लाइन का नाम चलो रख देते हैं पी क्यू। हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, तो ध्यान से देखिए पी क्यू किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस का इक्वेशन अगर पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका लक्षण किससे मिलेगा, y एक्सिस से गधा से। हम कह रहे हैं कि अगर पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो पी क्यू का जो इक्वेशन होगा वो मिलता जुलता होगा किससे, y एक्सिस से। अगर ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ए बी का इक्वेशन भी किससे मिलता जुलता होगा, एक्स एक्सिस से। तो यहां पे पी क्यू पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। तो पी क्यू का इक्वेशन किससे मिलता जुलता होगा, वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस का क्या होता है, एक्स बराबर 0। तो इसमें भी होगा एक्स बराबर ही समथिंग, 0 नहीं होगा, समथिंग होगा। समथिंग क्या होगा, तो जहां से पास कर रहा है। तो कितना हो गया, एक्स बराबर -2 इसका इक्वेशन हो गया। अब तीसरा का जवाब तुम लोग खुद से देना, हम नहीं पूछेंगे। इसका नाम रख देते हैं सी डी। सी डी का इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सी डी, y इज इक्वल टू -3। तो सिंपल बात है, सी डी किसके पैरेलल, x के पैरेलल। x का इक्वेशन क्या, तो y इज इक्वल टू 0। तो इसका भी y इज इक्वल टू ही समथिंग होगा, और समथिंग में वो होगा जहां से ही पास कर रहा है, तो -3। तो यही था हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन। इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं दिमाग आपको दे रहे हैं, क्योंकि सब जूनियर क्लास में भी पढ़े हुए थे। सेकेंड वाले टॉपिक पे आते हैं बच्चा। सेकेंड है पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकेंड वाला समझ लीजिए क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से ही क्लियर है, एक वो पॉइंट मालूम रहेगा और स्लोप मालूम रहेगा। सपोज करो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक लाइन है। ये लाइन का स्लोप दे दिया है क्वेश्चन में, स्लोप गिवन है, और ये दे दिया है कि ये लाइन पास कर रहा है एक बिंदु से। कौन सा बिंदु, तो चलो एक्स वन वाई वन इसको मान लेते हैं, 2 3 4 5 को भी बिंदु दे देगा, बोलेगा कि एक लाइन है, इसका स्लोप है समथिंग, दे दिया क्वेश्चन में, और इसका ये लाइन जो है एक बिंदु से पास कर रहा है, ये भी दे देगा। तो एक बिंदु और स्लोप, ये दो चीज दे देगा आपको, और देने के बाद बोलेगा कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर स्लोप और एगो पॉइंट मालूम है तब। तो फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम। एम याद है आप लोगों, किसको बोलते हैं,
स्लोप, हम बोले थे स्लोप को m से, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, सपोज करो कि एक लाइन है, जरा ध्यान देना, ये लाइन है तुम्हारा, ये लाइन जो है ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये लाइन जो है सो पास कर रहा है एक बिंदु 2, 3 से, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, तो 2, 3 से पास कर रहा है, तो इसी को x1 y1 मान लेते हैं, और इस लाइन का स्लोप नहीं दिया है लेकिन स्लोप निकालने का उपाय दे दिया है, दे दिया है क्वेश्चन में कि ई जो डिग्री है ना 30 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में खुद से कह दिया है कि एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन 30 डिग्री बना रहा है। तो कई बार जरूरी नहीं है कि आपको स्लोप निकाल कर दे ही देगा, उपाय दे दिया है तो क्या स्लोप नहीं निकाल सकते आसानी से? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बउआ? स्लोप बराबर टैन थीटा, तो लगाइए टैन 30 डिग्री, टैन 30 कितना होता है 1/√3, यानी इसका m का वैल्यू कितना आ गया 1/√3, टैन थीटा यानी m, यानी कि स्लोप, स्लोप निकल गया। अब लगा दीजिए अपना इक्वेशन, क्या है इक्वेशन? y माइनस y1, y1 की जगह 3 बाई x माइनस x1 की जगह 2 इज इक्वल टू m, यानी कि 1/√3, जरा गुना कर दीजिए कितना आएगा, पहले इसी को कर दो, एक्स माइनस 2 बराबर √3 वाई माइनस 3√3। अब सबको इस तरफ ले आइए, एक्स माइनस √3 वाई माइनस 2 और प्लस 3√3 सजा दिए, ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो ई वाला मेथड, तो खैर जूनियर क्लास में भी पढ़े हुए थे, सेकंड वाला मेथड क्या है कि पॉइंट मालूम होना चाहिए और स्लोप मालूम होना चाहिए, हर बार स्लोप निकाल कर देगा नहीं, स्लोप निकालने का उपाय दे देगा, आप उस उपाय का यूज करिए और अपने क्वेश्चन को बना लीजिए। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से ये फॉर्मूला यूज करिए और इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे। अब अगला वाला समझा देते हैं, कौन सा? टू पॉइंट फॉर्म, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अगला वाला टॉपिक समझिए, टू पॉइंट फॉर्म। देखिए टू पॉइंट फॉर्म क्या है, टू पॉइंट फॉर्म, नाम से ही क्लियर है आपको दो गो पॉइंट मिलने वाला है, दो पॉइंट आपको दे देगा और दो पॉइंट देने के बाद आपको कहेगा कि इक्वेशन ऑफ द लाइन बताइए। सपोज करो कि ये तुम्हारा, हर बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही तो चैप्टर है भाई। अब चलो ये लाइन, ये लाइन दो बिंदुओं से पास कर रहा है, एक बिंदु है x1 y1 और एक बिंदु है x2 y2, कोई लाइन है जो दो बिंदुओं से पास कर रहा है, आपको ये दे दिया है और आपको कहता है कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए हमको। तो कभी भी कोई लाइन अगर दो बिंदु से पास करे और तब कहे कि आप इसका इक्वेशन निकालिए, तो बच्चा इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला यानी इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन? वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला का यूज करके आप टू पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, यहां पर ही जो फॉर्मूला हम लिखे हैं ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है। तुम में से कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर ऐसा है कि अगर दो बिंदु हमको कोई दे दिया तो टू पॉइंट फॉर्म लगाना जरूरी है क्या? मेरा मन करेगा तो पहले ये दोनों बिंदु का यूज करके स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने का दो मेथड, एक था टैन थीटा और दूसरा मेथड सिखाए थे y2 - y1 / x2 - x1। तो सर मेरा मन करेगा तो इस लाइन का पहले स्लोप निकाल लेते हैं और दोनों में से किसी एक बिंदु को यूज कर लेंगे और लगा लेंगे ये वाला फॉर्मूला, कौन सा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या ये संभव है? तो बिल्कुल संभव है। ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया वहीं से है। अरे पिछला वाला फॉर्मूला भी क्या लिखवाए थे पॉइंट स्लोप फॉर्म में? वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम, एम यानी कि स्लोप, और एम का ही ना फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन, याद होगा m इज इक्वल टू ही लिखवाए थे हम y2 - y1 / x2 - x1। तो जरूरी नहीं कि टू पॉइंट फॉर्म है तो भाई आप एग्जैक्टली वही यूज करिए। थोड़ा अगर इच्छा आपको लग रहा हो कि नहीं हमको वो वाला मेथड ज्यादा इजी लग रहा है तो पहले दो बिंदुओं का यूज करके स्लोप निकाल लीजिए और दोनों में से किसी एक बिंदु को पॉइंट मान लीजिए और पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि है फॉर्म तो पढ़ना है, पढ़ा दिए आपको किस तरीके से निकाला जाता है। यानी सिंपल है कि एक लाइन अगर पास कर रहा है दो बिंदुओं से, 2, 3 और 4, 6 सपोज कर लेते हैं,
हमको कहता है इसका इक्वेशन निकालो, तो सीधे इक्वेशन लिख देना। इसको तो पहले एक्स वन वाई वन मान लो, इसको क्या मान लेते हैं एक्स टू वाई टू, लिखवा दो वाई माइनस थ्री बाई एक्स माइनस सॉरी वाई वन सही लिखवाया ना, हाँ एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो वाई माइनस वाई वन यानी कि वाई माइनस थ्री बाई एक्स माइनस एक्स वन यानी कि टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन छः माइनस तीन बाई चार माइनस दो, तो बच रहा है y माइनस थ्री बाई एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना करिए, थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस सिक्स, उस सबको इधर ले आते हैं तो थ्री एक्स माइनस टू वाई और छः से छः तो वैसे भी कट गया इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो यानी अगर किसी लाइन दो बिंदु से पास करता हुआ दे दिया, कोई लाइन है दो बिंदु से पास कर रहा है, तो टू पॉइंट फॉर्म लगाकर अब बना सकते हैं। लेकिन आया कहां से, तो ये भी पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही निकला हुआ फॉर्म है। अब अगला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जरा इसको समझो, अगला है बच्चा स्लोप इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसको कहते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है, तो थीटा डिग्री बना रहा है, सपोज करो दे दिया क्वेश्चन में। और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये लाइन y एक्सिस को, अच्छा तुम ध्यान से देखो, तो ये जो लाइन है x एक्सिस को भी काट रहा है इस बिंदु पर, x एक्सिस को, और y एक्सिस को भी काट रहा है इस बिंदु पर। x एक्सिस को यहां से यहां काटा और y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट बनाया, इंटरसेप्ट मतलब कितना दूर पर काटा, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। तो अगर एक लाइन है, अगर एक लाइन है, वो लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, यहां से यहां के बीच का दूरी, इंटरसेप्ट मतलब कटान, यहां से यहां के बीच में कट बन रहा है, इसी को यहां से यहां के दूरी को इंटरसेप्ट कहेंगे। इस दूरी को चलो कुछ मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, c क्या है, तो भाई जो लाइन है y एक्सिस को ओरिजिन से कितना दूरी पर काट रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट को c मान लिए। और थीटा तो हम ऐसे ही दे दिए हैं, थीटा नहीं भी दिया रहता तो स्लोप दे दिया रहता, और स्लोप नहीं दिया रहेगा तो थीटा दे देगा। तो यानी अब हमको कह रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन निकालो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए। दिया क्या क्या है, तो दो चीज दिया है, पहला चीज दे दिया है स्लोप, कई बार स्लोप दे देता है और कई बार एंगल दे के छोड़ देता है, आप स्लोप निकाल लीजिए। तो एक चीज दे दिया क्या, स्लोप, और स्लोप देने के बाद दूसरा चीज दे देगा क्या, वाई इंटरसेप्ट, कौन सा इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट तो एक्स पे भी बनता है वाई पे भी बनता है, लेकिन वाई का इंटरसेप्ट दिया हुआ है। स्लोप को एम बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट को सी बोलते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद रखेंगे फॉर्मूला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओगे इक्वेशन तुरंत निकल जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, सपोज करो कि यही लाइन है, यह लाइन है और यह लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाता है, और यह लाइन जो है वो y एक्सिस को काट रहा है 5 सेंटीमीटर के दूरी पे, 5 यूनिट की दूरी पे, 5 यूनिट की दूरी पे। तो हमको कहता है इस लाइन का इक्वेशन निकालो, तो इस लाइन का इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे m चाहिए, पहले m मतलब स्लोप चाहिए, c तो हमको मालूम है 5 होगा, m चाहिए, चलो m निकालो, तो tan 45 यानी कि 1, यानी m निकल गया 1। अब लगाइए फॉर्मूला, y इज इक्वल टू एम एक्स यानी कि 1 इंटू एक्स, अब प्लस सी कितना, 5, सबको इधर चाहे सबको उधर ले जाइए, सजा दीजिए, तो हो गया x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का इक्वेशन हो गया। हाँ यहाँ भी थोड़ा सा तुम दिमाग लगा सकते हो, कोई बच्चा बोलेगा कि सर y इंटरसेप्ट को काट रहा है यहाँ पर, मतलब ये लाइन जो है y को यहाँ काट रहा है, तो क्या यहाँ का कोऑर्डिनेट हम बोल सकते हैं, आपको पता है यहाँ के कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, 0 5, यहाँ के कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, 0 5।
तो कहा सर यहां भी हम लगा ले पॉइंट स्लोप फॉर्म, लगा लीजिए। पॉइंट मिल गया आपको, पॉइंट मिल गया, स्लोप मालूम है, तो आप स्लोप इंटरसेप्ट की जगह मन करें तो फिर से क्या लगा लीजिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यानी हम अलग अलग मेथड्स बता रहे हैं कैसे आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही मेथड लगाइए, आप कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो मेरा अगर इंटरसेप्ट सीधे दे दिया है तो आप डायरेक्ट ई फॉर्मूला लगा के बना लीजिए, लेकिन इच्छा करें कहां से है तो भाई दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं आप। पॉइंट मिल गया, स्लोप मालूम चल गया, तो इसे भी बना सकते हैं आप। अब बाकी एक नया मेथड है, इसको भी याद रखिएगा। इस समय एक और केस बनता है, दूसरा केस डिस्कस नहीं किया अभी, समझिए जरा। इसमें सेकेंड केस क्या बनता जरा देखो। जरूरी है कि हर बार वाई इंटरसेप्ट ही दिया रहेगा? नहीं, कभी कभी एक्स इंटरसेप्ट भी दिया रह सकता है। सपोज करो कि ये एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यही एक लाइन है। ये लाइन इस बार एक्स को कहां काट रहा है, इस पॉइंट पे एक्स को यहां काट रहा है और वाई को वहां काट रहा है। इस बार हम वाई का बात नहीं करेंगे, इस बार एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है। कौन सा इंटरसेप्ट? एक्स को कितना पर काट रहा है, ऊ दिया है, उसको हम डी मान लेंगे। याद रखते हैं सी से रिप्रेजेंट किया जाए वाई के इंटरसेप्ट को और डी से रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स के इंटरसेप्ट को। तो चलो एक्स का इंटरसेप्ट हम लोग का हो गया कितना, डी हो गया। और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिग्री बना रहा है, थीटा। खैर स्लोप दे दिया क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा, स्लोप नहीं दिया तो हम टेन थीटा लगा लेंगे। तो आपको पहले एम निकाल लेना है, एम तो आपको या तो दिया रहेगा नहीं तो निकाल लेना है टेन थीटा लगा के। और दूसरा आपको इंटरसेप्ट दे दिया है, कौन सा इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट दिया है जिसको हम डी बोल रहे हैं। तो यहां पे इक्वेशन क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा, वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आपका लाइन एक्स एक्सिस को डी डिस्टेंस पर काट रहा है, यानी डी आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है और थीटा डिग्री एंगल बना रहा है तो स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप और इंटरसेप्ट अगर मालूम है, स्लोप और एक्स इंटरसेप्ट अगर मालूम है तो आप इस इक्वेशन का यूज करिए, आपका तुरंत निकल जाएगा इक्वेशन। जैसे मान के चलिए कि आपको दिया है 135 डिग्री, थीटा कितना डिग्री है, 135। सपोज करो क्वेश्चन ही बना लेते हैं इस टाइप का, तो एक लाइन है जो 135 डिग्री बना रहा है। जरूरी है कि हर बार 90 से छोटा ही एंगल बनाएगा, बड़ा भी बना सकता है। उम्मीद है कि आपको याद भी होगा टैन 135 डिग्री का वैल्यू, नहीं याद है तो हाँ माइनस वन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एम यानी कि स्लोप, स्लोप क्या होगा टैन थीटा, यानी कि टैन 135 डिग्री। टैन 135 कितना हो गया, माइनस वन, एम हो गया माइनस वन। अब एम निकल गया और डी दिया हुआ है, यानी कितना दूर पर काट रहा है तो दे दिया है क्वेश्चन में मान के चलो तीन, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस डी बराबर दे दिया है तीन, डी बराबर तीन दे दिया है और कहता है इक्वेशन लिखिए क्या होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस डी, डी की जगह थ्री रख देंगे। देखो किए क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, एम इंटू एक्स माइनस डी वाला फॉर्मूला पे बैठा दिए, एम के जगह डाल दिए माइनस वन, डी के जगह डाल दिए तीन। अब गुना भाग तो करने आता ही है, इसको सजा लीजिएगा। तो वाई इक्वल टू कितना, माइनस एक्स प्लस तीन, सबको इधर ले आओ, एक्स प्लस वाई माइनस तीन बराबर जीरो, निकल गया इस लाइन का इक्वेशन। हाँ यहां भी इच्छा करे तो आप दूसरा वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां का बिंदु तो फिर आपको मालूम चल ही गया ना, यहां का बिंदु क्या होगा थ्री जीरो, तो 3-0 बिंदु मालूम चल गया, स्लोप मालूम है तो फिर से स्लोप इंटरसेप्ट लगा सकते हो। लेकिन ये वाला फॉर्म भी याद रखेंगे, इसका यूज करके भी बना सकते हैं क्वेश्चन। तो पहले ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर अगला वाला भी टॉपिक बताते हैं। दो मेथड और है, अगला समझिए। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म किसको कहते हैं भाई? अभी देखिए ये है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, एक लाइन है, ये लाइन एक्स को भी काट रहा है वाई को भी काट रहा है, एक्स को यहां पर काट रहा है वाई को यहां पर काट रहा है, काट रहा है जी। तो चलिए एक्स को काट दिया यहां से यहां, इसको मान लेते हैं ए,
और वाई को काट दिया यहां से यहां, इसको मान लेते हैं बी। इस बार एक इंटरसेप्ट नहीं दिए हम आपको, दोनों इंटरसेप्ट दे दिए। एक्स को कितना पर काट रहा है ये भी बता दिए, वाई को कितना पर काट रहा है ये भी बता दिए। और हम आपको कहते हैं कि हमको इस लाइन का इक्वेशन बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इसमें स्लोप का किसी प्रकार का कोई यूज नहीं है, इसमें थीटा उठा नहीं दिया रहेगा, क्या कि स्लोप का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को काट रहा है भाई, तो एक्स का इंटरसेप्ट दे देगा ए दूरी पर, वाई का इंटरसेप्ट दे देगा। अब बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बताओ, तो इस लाइन का इक्वेशन देखो कितना आसान है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। एक्स बाई एक्स का इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई को कितना पे काट रहा है सो लिख देना है, इक्वल टू वन कर देना है। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, आसानी से बन जाएगा। हाँ इसमें भी अच्छा, पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लें फिर आगे बात करें। सपोज करिए कि एक लाइन है जिसमें एक्स को कितना पर काट रहा है, तो माइनस माइनस में छोड़ो, प्लस वाला ही इधर साइड कट रहा है तो प्लस में ही ले लेते हैं वैल्यू। एक्स को काट रहा है कितना पे, तो तीन दूरी पर, वाई को काट रहा है पांच दूरी पर। एक लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट है तीन और वाई इंटरसेप्ट है पांच, बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन बताओ। तो देखो बच्चा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई फाइव इज इक्वल टू, अब एलसीएम वगैरह लेके इसको थोड़ा सा सजा देना, कितना होगा 15, 3 5 4 तो 5x plus 3y is equal to 1, गुना कर दीजिए तो 5x plus 3y is equal to 15 निकल गया इक्वेशन ऑफ द लाइन। हाँ इस इक्वेशन को भी आप चाहें तो एक और मेथड से बना सकते हैं, जैसे ये लाइन है, हाँ ये लाइन है x को यहां काट रहा है, तो यहां का पॉइंट क्या होगा बता दो, 3 0, यहां का पॉइंट क्या होगा 0 5। तो क्या सर इसमें पॉइंट पॉइंट फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, तो पॉइंट पॉइंट फॉर्म यानी टू पॉइंट फॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप वो मेथड भी लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ ये इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या वो हमको बता दिए। अगला है नॉर्मल फॉर्म, ये सबसे अलग है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, अच्छा नॉर्मल किसको कहा जाता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को ही जनरली नॉर्मल वर्ड से बोला जाता है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। अब देखिए समझिए क्या है, ये क्या है बुआ, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक लाइन है, एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, और इस लाइन के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। क्या दिया है जरा सुनो, एक लाइन है इस लाइन का निकालिए इक्वेशन, दिया क्या है जरा वो सुनो, ये लाइन ओरिजिन से कितना दूरी पर है ये दे देगा, कितना दूरी पर है ये अगर निकाला जाए, किसी भी बिंदु से कोई लाइन कितना दूरी पर है, मान के चलो ये लाइन है आई बिंदु है, हम पूछेंगे बिंदु लाइन से कितना दूरी पर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ना निकालोगे जी, नापने के लिए तो कोई बच्चा यहां से यहां भी नाप देगा, कोई यहां से यहां नाप देगा, कोई यहां से यहां नाप देगा, कोई यहां से यहां नाप देगा, तो हर बार अलग अलग आंसर आएगा। तो किसी भी बिंदु का किसी भी लाइन से अगर डिस्टेंस नापना हो तो हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही करके ही डिस्टेंस नापा जाता है। तो ओरिजिन से इस लाइन के बीच की जो दूरी है वो दे देगा क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ दे देगा, आर मान लेते हैं 4 5 3 यूनिट दे देगा। तो एक लाइन है, वो लाइन ओरिजिन से कितनी दूरी पर है भैया, तो आर डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा 90 डिग्री यहां बनेगा ही बनेगा। दूसरा बात, ये जो लाइन खींचे हैं आप, ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं लाइन के, आपके जो मेन लाइन है जिसका आपको इक्वेशन निकालना है उसके परपेंडिकुलर है ना जी, तो परपेंडिकुलर है इसीलिए इसको नॉर्मल कहेंगे, ये जो है ना छुटका लाइन, दिस इज नॉर्मल, और नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है दे दिया है क्वेश्चन में, थीटा थीटा अल्फा ओमेगा कुछ हो देते क्या फर्क पड़ता है, हम थीटा ही याद रखेंगे, मेरे लिए वही आसान है। आपके बुक में एनसीईआरटी में किसी को ओमेगा मान लिया है, किसी को अल्फा, तो कहे और फॉर्मूला भारी होते चल जाएगा, थीटे रहने देते। तो आपका लाइन है, वो लाइन एक्स मतलब ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, तो आर डिस्टेंस पर है, और जो नॉर्मल है ये नॉर्मल एक्स एक्सिस कितना डिग्री बना रहा है, थीटा बना रहा है। अगर आपसे हम पूछें फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो देखिए इस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन बताने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात हम बता दें,
अगर आपसे कोई पूछ दिया स्लोप ऑफ लाइन बताओ, स्लोप ऑफ लाइन कौन सा लाइन, ये जो आपका लाइन है ना स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप पूछ रहा है। इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला याद है, टैन थीटा हुआ करता था। लेकिन ये लाइन कितना डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये दिया ही नहीं है। जब नहीं दिया है तो डायरेक्ट टैन थीटा लगा नहीं सकते। दिया किसके बारे में है, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका दिया हुआ है। तो यहां पे याद रखिएगा, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी एम बराबर हो जाएगा माइनस वन बाई टैन थीटा। क्या हो जाएगा, क्यों बोले हैं माइनस वन बाई टैन थीटा, हम पिछले वाले क्लास में पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, कि बुआ दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप और इसके स्लोप को गुना करिएगा तो माइनस वन आएगा, आएगा ना। तो अगर M2 निकालना चाहते हो तो क्या फॉर्मूला होगा, माइनस वन बाई एम वन होगा कि नहीं, या M1 निकालना चाहते हो तो माइनस वन बाई एम टू। तो यहां भी नॉर्मल और लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यानी इसका स्लोप अगर M होगा तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस वन बाई एम। तो वही चीज किए हैं, माइनस वन बाई टैन थीटा लगाकर अब इसका स्लोप निकाल सकते हैं। और स्लोप निकालने के बाद अब अगर पूछा इसका इक्वेशन क्या है, क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, आर कॉस थीटा, सॉरी आर नहीं यूज होगा यहां पे, देखिए जरा ध्यान से, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, जरा गौर करिएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन का इक्वेशन। अब चलिए इसमें वो क्वेश्चन भी बना लेते हैं। सपोज करो कि क्वेश्चन दे दिया है, क्या जरा सुनो, क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन का इक्वेशन निकालिए जिसमें वो लाइन सेंटर मतलब ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, तो चार डिस्टेंस पर है, तो चार यूनिट दे दिया, आर बराबर फोर दे दिया। और ये कह रहा है कि नॉर्मल बना रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री या 30 डिग्री मान लेते हैं। थीटा कितना दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री दे दिया है। ये थीटा कौन थीटा है, नॉर्मल कितना डिग्री बना रहा है वो दिया है, लाइन का थीटा नहीं दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में हम इसका भाई स्लोप, इसका हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इसका इक्वेशन निकालने का तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला है, बैठा दीजिए, क्या होगा, एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू 4, वैल्यू आता है ना, एक्स कॉस 30 वैल्यू कॉस 30 रूट 3 बाई 2, अच्छा ये 1 बाई 2 इक्वल टू 4, एलसीएम उलसीएम ले लें, इसका 2 एलसीएम होगा, तो ऊपर में रूट 3x प्लस वाई बराबर 4, 8 उधर चला गया, तो रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 बराबर निकल गया इस लाइन का इक्वेशन। अगर तुमसे हम पूछें, इक्वेशन ना पूछ के हम तुमसे पूछें, नहीं हमको स्लोप बताओ, तो क्या आंसर देगा तुम, स्लोप बराबर माइनस 1 बाई टैन 30 डिग्री, टैन 30 कितना होता है, 1 बाई रूट 3, तो माइनस 1 बाई रूट 3, रूट 3 कहां चलाएगा, तो यानी इसका आंसर हो गया माइनस रूट 3, अगर हमसे स्लोप पूछ दिया तो। वैसे इक्वेशन है तो इक्वेशन आप डायरेक्ट इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो यही सारा टाइप्स है बुआ, पूरा का पूरा इतना ही टाइप्स है, 6 टाइप्स है, 6 टाइप्स को डिस्कस कर दिए हैं। एक्सरसाइज 10.2 में जितना क्वेश्चन है सब इसी में से किसी टाइप का है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाँ यही फॉर्म लगाना है, तब तो वही फॉर्म लगाइए, और नहीं तो आपको जो मेथड सुटेबल लगता है वो मेथड लगा के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन पूरा बना लीजिए, अगला वाला क्लास में इसका पूरा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।